बांध विस्थापितों को देहरादून में बसाया गया है, लेकिन मैंने देखा कि ये जैसे कैसे कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पीने का पानी जमीन से ज्यादा नहीं आता, बर्तन भर के रखने पड़ते हैं। जगह जगह किसानों के खेत बंजर पड़े हैं, फसल बर्बाद हो रखी है व एक ट्यूबवेल से ही पूरे गांव को पानी जाता है। आपको यहाँ पे जैसे ट्यूबवेल से पानी आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम है सिंचाई के लिए? मैडम, जनरल बात यह है कि जब हम यहाँ मूल रूप से टेरी से विस्थापन का जब कार्यक्रम चला था तो हमारी पूरी जनता की, उन लोगों की मांग थी कि हमको मूल रूप से पीने का पानी मूल स्रोत से दिया जाए, मगर सरकार से प्रयास किया नहीं हुआ, मगर हमारी मांग उस समय से 1982 से और आज की टिल डेट तक बरकरार है। बहरहाल नलकूप वालों ने हमें 2 ट्यूबवेल खुदाई करके दिए हैं जो कि पीने के पानी से संबंधित है। नलकूपों में पानी तो है ही नहीं, लेकिन जो हमारे सिंचाई के नलकूप हैं उनसे उसको संबंधित कर दिया गया है पीने के पानी को, जिस वजह से कि फसल में ये कमी आ रही है। किसानों पर ये प्रभाव पड़ता है कि जब जो है ट्यूबवेल वगैरह जब अचानक बिजली न होने से या ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से जब वो खराब हो जाती है तो तत्काल उसकी जो है रिपेयर करने की व्यवस्था नहीं है, एक बात। उससे क्या होता है कि जब पानी की, धान की फसल या गेहूं की फसल में जब पानी एक या दो बार नहीं मिलता है उनको, अगर मान ले 1 महीना 1.5 महीने के बाद मिलता है तो वो फसल जो है निर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है, और जिससे लोगों को जो है फसल का भी नुकसान होता है। और यहाँ पर जो है फसल का नुकसान होने से का मतलब ये है कि जो लोग उस पर आधारित हैं अपनी खेती पर, वो लोग जो है फिर उससे जो है उनकी जो है आर्थिक हानि होती है, तो सारी समस्याएँ जो है इस वजह से उत्पन्न होती हैं और ये हमेशा रहेंगी मुझे लग रहा है। लेकिन सरकार हमें अगर पानी की व्यवस्था को सुचारू करे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था हो सकती है और सरकार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं और ग्राम प्रधान अठुरवाला को, मंजू चमोली को 9012527478 पर कॉल करें। इंडिया अनहर्ड के लिए देहरादून उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटिया।